छोड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटना। उस अभिनेत्री ने 70 के दशक में अपनी कुछ चुनिंदा फिल्मों में खूबसूरती और अदाकारी की बदौलत दर्शकों के दिलों पर जादू चलाया था। इनके चेहरे से ऐसा नूर टपकता था कि वह बाकी अभिनेत्रियों से अलग नजर आती थी, लेकिन इसके बावजूद इनका फिल्मी करियर बहुत छोटा रहा। छोड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो, देखो टूटना। लेकिन छोटे फिल्मी करियर के बावजूद इन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। उन्हें राज कपूर और देवानंद की ओर से भी ऑफर आए। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। यहाँ तक कि वह देवानंद की जीवन संगनी बनने वाली थी, लेकिन उनकी अपनी बुआ और दिग्गज नायिका नरगिस ही उनके प्यार में विलन बन गई। यह अभिनेत्री थी जाहिदा, जिन्हें आज भी देवानंद की हीरोइन के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन अब वह गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। जाहिदा हुसैन 77 साल की हो चुकी हैं। शायद ही कोई होगा जिसे अब जाहिदा याद होंगी। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, करीब नजर आज हम बात करेंगे गुजरे जमाने की उसी दिग्गज अभिनेत्री जाहिदा हुसैन की, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जाहिदा का पूरा नाम जाहिदा हुसैन है, जिनका जन्म 9 अक्टूबर 1944 को मुंबई में हुआ था। जाहिदा हुसैन रिश्ते में संजय दत्त की ममेरी बहन लगती हैं। जाहिदा के पिता एक्टर डायरेक्टर अख्तर हुसैन नरगिस के भाई थे, इस लिहाज से नरगिस जाहिदा की बुआ लगती थी और संजय दत्त उनके भाई लगते हैं। दरअसल नरगिस की माँ जद्दन बाई ने 3 शादियां की थी। जद्दन बाई ने पहली शादी नरोत्तम दास खत्री से की थी, जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर अपना नाम बच्ची बाबू रखा था। उनके बेटे अख्तर हुसैन थे, इन्हीं अख्तर हुसैन की बेटी जाहिदा हुई। जद्दन बाई ने दूसरी शादी उस्ताद राशिद मीर खान से की। उन्होंने तीसरी शादी मोहन बाबू से की। मोहन बाबू ने भी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। जद्दन बाई की तीसरी शादी से बेटी नरगिस थी। अपनी बुआ नरगिस के नक्शे कदम पर चलते हुए जाहिदा ने भी फिल्म अभिनेत्री बनने का सपना देखा था, लेकिन जाहिदा की इस ख्वाहिश के खिलाफ थे उनके पिता अख्तर हुसैन। फिल्मों में कदम रखने के लिए जाहिदा को पिता की इजाजत की जरूरत थी, जो कि काफी मुश्किल से उन्हें मिली थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद भी जाहिदा का फिल्मी सफर मुख्य तौर पर 3 फिल्मों का ही रहा। साल 1968 में जाहिदा ने संजीव कुमार के ऑपोजिट फिल्म अनोखी रात से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में जाहिदा ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी। इस फिल्म में जाहिदा पर फिल्माया गया गीत महलों का राजा मिला काफी लोकप्रिय हुआ था। हालांकि बताया जाता है कि 60 के दशक में देवानंद ने जाहिदा को बड़े पैमाने पर लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बनाने की योजना बनाई थी। फिल्म का नाम था साजन की गलियां, जिसमें जाहिदा के अलावा मुमताज भी थी। एक इंटरव्यू में जाहिदा ने बताया कि उनकी बुआ नरगिस उनके फिल्मों में काम करने के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन बाद में नरगिस ने उनको फिल्मों में काम करने के लिए अनुमति दे दी थी। इस फिल्म में वह मुख्य भूमिका निभाने वाली थी, लेकिन यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन जाहिदा, मुमताज और देव आनंद पर फिल्माया गया एक गाना खूब लोकप्रिय हुआ और इस गाने का वीडियो YouTube पर भी मौजूद है। हम खूब जानते हैं क्या दिल में है तुम्हारे, हम खूब जानते हैं क्या दिल में है तुम्हारे। हालांकि साजन की गलियां तो रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन जाहिदा को देव आनंद के साथ 2 फिल्मों प्रेम पुजारी और गैम्बलर में काम करने का मौका मिला। जाहिदा को असली पहचान मिली थी देव आनंद की फिल्म प्रेम पुजारी से। अब तुम चले जाओ यहाँ से, भूल जाओ कि तुम्हें मालूम हो जाएगा वो राज जिसकी तलाश में तुमने यहाँ तक मेरा साथ देने का नाटक रचा है। नाटक की बात कर रही हो तो सुनो, अगर हिम्मत है तो। इस फिल्म में देव आनंद के साथ जाहिदा की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। देव आनंद और जाहिदा की यह फिल्म सुपर हिट रही थी। छोड़ दोगे तो मैं वापस जरूर चला जाऊंगा, लेकिन ये दिल जो छलनी छलनी हो चुका है संभल नहीं देंगे, इसे जीना मुश्किल हो जाएगा। प्रेम पुजारी के बाद जाहिदा और देव आनंद ने एक और फिल्म गैम्बलर में साथ काम किया।
यह फिल्म साल 1971 में रिलीज हुई थी। इसमें भी देवानंद मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में भी जाहिदा और देवानंद की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। जिनके लिए आप खरीद रहे हैं या तो उनको लेकर आइए और या पहले उनसे पूछ कर आइए कि वो क्या पसंद करेंगे। फिल्म में उन पर फिल्माया गया गाना चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है काफी मशहूर हुआ था। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा। देखा तुझे चढ़ा ये कैसा नशा, चली ये कैसी हवा। उस दौर में देव आनंद इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम एक्टर्स में थे, जिनके लिए न केवल आम लड़कियों का दिल धड़कता था बल्कि अभिनेत्रियां भी उनकी दीवानी थीं। देव आनंद को चाहने वाली अदाकाराओं की फहरिस्त काफी लंबी है। सुरैया जैसी खूबसूरत अदाकारा से लेकर जीनत अमान जैसी बोल्ड अभिनेत्री भी उनकी दीवानी थी। जाहिदा भी देव आनंद की बड़ी फैन थी और वह भी देव आनंद के चार्म से नहीं बच पाई। साल 1972 में देव आनंद ने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए जाहिदा को उनकी बहन का रोल ऑफर किया था, लेकिन जाहिदा ने यह रोल करने से मना कर दिया। वह पर्दे पर देव आनंद की बहन का किरदार नहीं करना चाहती थी, वह पर्दे पर देव साहब की प्रेमिका बनना चाहती थी। बाद में यह रोल अभिनेत्री जीनत अमान ने निभाया और यह फिल्म सुपरहिट रही। दरअसल गैम्बलर में साथ में काम करने के दौरान ही जाहिदा और देव आनंद की प्रेम कहानी के किस्से भी सुर्खियां बटोरने लगे थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि देव आनंद जाहिदा से उम्र में पूरे 21 साल बड़े थे। बावजूद इसके फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जाहिदा देव आनंद पर फिदा हो गई थी। जाहिदा और देव आनंद के परवान चढ़ते इश्क की खबर जब जाहिदा के परिवार को लगी तब हुसैन परिवार में कोहराम मच गया था। जाहिदा की बुआ नरगिस देव आनंद के साथ उनके रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। उन्होंने जाहिदा को सख्त हिदायत दी थी कि वह देव आनंद के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। हालांकि देव आनंद ने जाहिदा और मुमताज को लेकर एक और फिल्म बनाई थी। जाहिदा गैम्बलर के बाद इंडस्ट्री से दूर हो गई। कुछ वक्त बाद उनकी शादी मुंबई में रहने वाले बिजनेसमैन केसरी नंदन सहाय के साथ हो गई। जाहिदा दो बच्चों की माँ है। जाहिदा के बेटे निलेश सहाय ने साल 2011 में गणेश आचार्य की फिल्म एंजल से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि निलेश सहाय का फिल्मी करियर भी कुछ खास नहीं रहा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।